पे डाल सकती हूँ। व्हाट्सएप पे वो पीडीएफ आराम से जो है वो खुल जाता है, आराम से अपलोड किया जा सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन पे नहीं चल पा रहा है, नहीं अपलोड हो रहा है, सेंड नहीं हो पा रहा है, तो उस पे मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो हम लोग जो है एक क्विकली जो है वो एनालिसिस अगर लेकर के चलते हैं आपके टेस्ट का, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो सेट टू से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं कि पेपर कितने बच्चे कर रहे हैं, तो पेपर तकरीबन जो है 1200 से लेकर के 1300 बच्चे जो है वो आपके हर पेपर को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अब जो रैंकिंग है आपकी वो मिनिमम 1200 स्टूडेंट्स के बीच में है ही है, ठीक है। मैं बात करती हूँ सेट टू की। अगर मैं सेट टू की बात करूँ तो सेट टू में 1202 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उन 1202 में 471 बच्चे, देख लो आप कहाँ पे हैं, आपकी प्रिपरेशन को देख लीजिए। जो सेकेंड वाला जो टेस्ट था, जो सेकेंड आपको टेस्ट डाला गया था, वो मतलब बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी गोइंग था, कंपाइल किया हुआ था, जिसका शायद कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपने किसी और जगह पे, किसी और जगह सुन रखा था। ये वाले क्वेश्चन हमने उठा करके डाले थे। उसमें से 1202 बच्चों में से 471 स्टूडेंट्स ही ऐसे रहे जो शून्य के ऊपर नंबर लाए हैं, है ना। जीरो के अबव जो स्टूडेंट्स थे, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 471 1202 में से। टॉप फाइव की बात करती हूं मैं। मुकेश कुमार सैनी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, आप 100 में से 100 मार्क्स ले आए। सेकेंड रैंक राजेश भादू, 94.68 मार्क्स। हरीश भादू थर्ड रैंक, भाई भाई हैं क्या दोनों, राजेश और हरीश, थर्ड रैंक है 92.02 हरीश भादू। फोर्थ रैंक है जयप्रकाश, 89.36, और फिफ्थ है समता दाधीच, 76.06। तो टॉप फाइव की अगर मैं बात करूं तो टॉप रैंक का जो मार्क्स है दैट इज 100 मार्क्स, और लेस अगर हम लोग जाएं टॉप फाइव में से लिस्ट मार्क्स किसके हैं, समता का है 76.06, ठीक है। ये आपके टेस्ट टू का एनालिसिस है। सेट थ्री में हम आते हैं। सेट थ्री के एनालिसिस को अगर हम लोग देखें, इसमें भी हम अगर देखें कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 1207 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में, इस सेट में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंदर 369 369 बच्चे क्या हैं, अबव जीरो हैं, ठीक है, जीरो के ऊपर हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं, माइनस में हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। आप अपना ग्राफ जो है वो अगर मैं देखूं कि टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हो, प्रिपरेशन का एनालिसिस करो, तो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए ना, ये नीचे कैसे आ गया, बट नीचे आया हुआ है, ठीक है। टॉप स्कोर की बात करें इसमें सेट थ्री में, मिस्टर सुरेश, मिस्टर विजय, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, 100 out of 100 टॉप रैंक में हैं आप। सेकेंड रैंक में आते हैं जयप्रकाश, 98 मार्क्स। थर्ड है अर्जुन, 84.04 मार्क्स। फोर्थ है रामनिवास गोस्वामी, 84.04, सॉरी थर्ड रैंक दो लोग हैं, 84.04 अर्जुन भी है, 84.04 रामनिवास गोस्वामी भी हैं। फोर्थ में आते हैं राजेश भादू, 81.38। राजेश जी सेट टू में आप सेकेंड थर्ड रैंक पे थे, यहाँ पे फोर्थ रैंक पे आ रहे हैं, ग्राफ डाउन नहीं होना चाहिए। अनीता शर्मा है फिफ्थ रैंक पे आपकी, 76.68। तो लिस्ट मार्क्स अगर टॉप फाइव के देखें हम लोग, तो 76.68 अनीता के हैं, और अगर हाई स्कोर देखें हम लोग, हाईएस्ट अगर देखें, तो टॉप रैंक फर्स्ट रैंक पे दो लोग हैं, सुरेश एंड विजय कुमार। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सेट फोर में हम आते हैं। सेट फोर तो आप लोगों को बहुत अच्छा करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसके 25 क्वेश्चन तो पहले वाले पेपर के सेट वन के रिवाइज ही थे, तो ये तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन करना चाहिए था, लेकिन देख लो इसमें क्या किया है। सेट फोर में 1327 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 1327 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया,
357 बच्चे जो है वो जीरो के ऊपर हैं, 357 स्टूडेंट्स जो है वो अबव जीरो मार्क्स हैं। टॉपर्स की बात करते हैं, संजू 100 मार्क्स फर्स्ट रैंक, अर्जुन 94.68 मार्क्स सेकेंड रैंक, सुरेश 94.68, आई थिंक सुरेश अभी पिछले वाले में शायद टॉप रैंक में आ रहे थे, हरीश भादू फोर्थ रैंक 92.02 एंड राजेश जी भी फोर्थ रैंक है 92.02, वर्षा जिंदल 92.03। यानी कि अगर मैं फोर्थ रैंक पे देखूं तो तीन लोग हैं, हरीश, राजेश एंड वर्षा। फिफ्थ रैंक है मुकेश दुखिया, ये हैं 90.02। तो अगर हम लोग लिस्ट मार्क्स में जाएं तो फिफ्थ रैंक में मुकेश है 90.02 और टॉप रैंक में अगर जाते हैं तो संजू है हमारी टॉप रैंकर सेट फोर की। सेट फाइव में आते हैं हम लोग, इसमें भी 1327 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने लोगों ने पहले वाले में पार्टिसिपेट किया, सेम देखिए दूसरे सेट में भी उतने ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बट इसके जो मार्क्स हैं जीरो के अबव जितने बच्चे हैं वो 285 बच्चे ही हैं, इसके बाद सब माइनस में हैं। 1327 स्टूडेंट्स में 285 स्टूडेंट जो है वो जीरो के ऊपर मार्क्स ला रहे हैं और बाकी सभी लोग माइनस में जा रहे हैं। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएं कि आपकी प्रिपरेशन कमजोर है या आप हल्के में कुछ भी टीप टीप करके जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। 1300 में 285, आप देखो आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, 20% के करीब, 20-23-25 के बीच में आप रिजल्ट बना रहे हैं। कोई नहीं, जो टॉपर हैं राजेश भादू जी हैं फर्स्ट रैंक पे 89.36 मार्क्स, सरिता विश्नोई सेकेंड रैंक 85.36 मार्क्स, रितु जांगीर 82.04, गोपाल दोगीवाल 81.38 और फिफ्थ रैंक पे है रवि 75.38 मार्क्स। तो अगर हम सेट फाइव का एनालिसिस करें तो टॉप फाइव में जो लीस्ट मार्क्स हमारे पास आए हैं दैट इज 75.38 और जो टॉपर का मार्क्स है वो 89.36। टफ था क्या ये पेपर? सारे पेपर्स में जो टॉप करने वाले हैं वो 100 मार्क्स लाए हैं, इस वाले में 89 मार्क्स ला रहे हैं, तो पेपर टफ था क्या? एवरेज टाइम टेकिंग इस पेपर का 15 मिनट्स है। अच्छा, राजेश ने जो 89 मार्क्स लाया है वो 5 मिनट्स 2 सेकंड के अंदर लाए हैं। तो ये एक्चुअली मैं ये देख रही थी कि जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं उनमें बहुत सारे जो टॉपर्स हैं जो टॉप रैंक में आ रहे हैं, टॉप 10, टॉप 50, मैंने टॉप 50 तक के भी स्टूडेंट्स को देखा है, तो उनमें अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं 60 मिनट का हम पेपर के अंदर समय डालते हैं, 60 मिनट 50 मिनट का समय डालते हैं और उनके पेपर 5 मिनट में हो जाते हैं, 6 मिनट में हो जाते हैं, 7 मिनट में हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या उनके पास इतनी नॉलेज है या फिर वो बैठ करके टीपना चालू कर देते हैं? अब ये तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो कैसे कर रहे हैं मुझे पता नहीं। दूसरी बात ये कि मेरे पास कुछ नाम जो है बहुत कॉमन आए हैं, जैसे राजेश भादू जी हैं, मुकेश सैनी हैं, विजय हैं, ये सब नाम आए हैं जो हर सेट में जो है वो टॉप स्कोरर रहे हुए हैं, बट इनका ना तो मेरे पास कोई फोटोग्राफ है ना ही इनकी मेरे पास कोई डिटेल है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने कम समय में ये लोग करते हैं तो एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं या ये किस तरीके से कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए अभी हमने एक शेड्यूल बनाया है, एक हमने प्रोग्राम तैयार किया है। हम इस बैच को, ये जो बैच चल रहा है अपर टेस्ट का, इसको एज इट इज चलने देंगे। इस बैच के अलावा एक नया बैच हम क्रिएट करेंगे, उस नए बैच में बुधवार से पेपर पड़ेगा, ये जो अभी चल रहा था इसमें पेपर डालना हम बंद करेंगे। बुधवार से जो नया बैच आपका क्रिएट होगा उस बैच के अंदर वही बच्चे शामिल किए जाएंगे जिसका नाम, फोन नंबर, फोटोग्राफ, फोटो आईडी, उनका एड्रेस और ईमेल एड्रेस, ये 6 चीजें हमारे पास उपलब्ध होंगी। अब आप देख लीजिए इस वीडियो को, बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, वीडियो को देखने के बाद ही
आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप अपना नाम, फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी एक फोटोग्राफ और आपका एक फोटो आईडी प्रूफ, ये छह चीजें आप हमें व्हाट्सएप पे डालिए, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन के जिस भी आप ग्रुप में अभी ऐड हैं, लाइब्रेरियन वाले जो ग्रुप में आप अभी ऐड किए गए हैं, बैच में जो अभी आप ऐड किए गए हैं, उस बैच में या बैच से बाहर निकल करके चैट का एक ऑप्शन है एप्लीकेशन में, उस चैट के ऑप्शन में आकर के ये छह चीजें हमें आप भेजिए। नहीं तो मेल आईडी है हमारा श्री SHREECLASES श्री क्लासेस JPR श्री क्लासेस JPR @gmail.com। आप इस मेल आईडी पे अपनी डिटेल को हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे से मुझे भी अच्छा लगेगा ना, मैं जो आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, टॉप 5 भी मैंने लिए हैं, टॉप 10 मैं लूँ, टॉप 20 लूँ, मैं एटलीस्ट आपके सामने ये चीजें शो तो कर पाऊँ कि ये लड़का है, इसकी फोटो ये है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा ना कि आपके जगह के बारे में पता चलेगा, आपके प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा, दूसरे बच्चे आपको अप्रोच करेंगे कि आपने कैसे पढ़ाई करी, क्या आप गाइडलाइंस देना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा हेल्दी भी लगता है। अब किसी को हम जानते नहीं कौन टॉपर आ रहा है, कौन क्या है, तो ये चीजें मतलब सही नहीं लग रही है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं एक नाम अनाउंस कर रही हूँ, ऐसा नाम अनाउंस कर रही हूँ जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे यहाँ का टेस्ट का टॉपर है, तो मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन टेस्ट दे रहा है, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है और उसके मार्क्स इतने समय में आए। समय तो हालांकि हमें पता चल जाते हैं कि आप जो अटेम्प्ट करते हैं वो अटेम्प्ट कितने मिनट का था। दूसरे हमें ये भी पता चल जाता है कि जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया उसका एवरेज जो है वो टाइम कितना आया है, एवरेज स्कोर कितना आया, तो ये चीजें हमें पता है। तो आप अपने जो है वो लेवल पे ये चीजें कीजिए। आप अभी से वीडियो देखने के साथ ही मेरे को मैसेज डालना शुरू कर दीजिए, हम आपको बैचेस में ऐड करना शुरू कर देंगे, जिसके जिसकी डिटेल मेरे पास आएगी नए बैच में मैं उसको ऐड करूंगी और उन्हीं को बुधवार से पेपर जो है वो मिलना चालू होगा। बुधवार से अब जो पेपर होगा उसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे, अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अभी तक जो पेपर हमने आपको दिया है वो किसी एक यूनिट का, किसी एक सेगमेंट का, किसी एक पेपर का, किसी एक पार्ट का रहा है, जबकि अब जो पेपर आएगा वो आपका मिक्स जो है वो होगा, अलग अलग यूनिट्स के कंपाइल पेपर्स होंगे, अलग अलग सेक्शंस के कंपाइल पेपर होंगे, अलग अलग टॉपिक से होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, डिफरेंट तरीके से मल्टीपल जो है वो अगर देखें हम लोग, मल्टीपल एंगल से आपको पेपर्स इजी हार्ड सब मिला मिलो के आपके पास आएंगे, तो ये उन्हीं के पास पहुंचेंगे जिनकी डिटेल हमारे पास अवेलेबल होगी। तो आप वीडियो देखने के साथ ही वो डिटेल हमें भेजना चालू कर दीजिए। अभी कितने बच्चों के, कितने स्टूडेंट्स का मैं देख रही थी, मैं आज चुकी बैठे थे, समय था, मैंने स्टूडेंट्स का जो आपका कल वाला जो सेट 5 है, सेट 5 के सभी बच्चों को मैं देख रही थी कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उन बच्चों में मैंने देखा एक नंबर ऐसा था जिस नंबर के साथ नाम जो है निकम्मा सिंह लिखा हुआ था, एक नंबर था उस नंबर का नाम जो है वो बिकनी सिंह लिखा हुआ था, एक नंबर जो है वो फ्रॉड FROD फ्रॉड चौधरी के नाम से आ रहा था। तो ये कुछ नाम है जो मतलब समझ में नहीं आता है, आप यहाँ पे सोशल साइट्स के जो है वो आईडीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एक संस्थान का शैक्षणिक एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, यहाँ भी आपके जैसे शिक्षण संस्थानों में आप जाते हैं, आप अपनी ऑथेंटिसिटी जो है वो वहाँ पे रखते हैं, आपका जो एड्रेस है, नाम है, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके मार्क्स हैं, आप कुछ भी इन चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ पे भी वो चीज़ें मत कीजिए। आपका जो नाम है वो नाम आप अपने नंबर के साथ डालिए ना, हमारा तो आपसे कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, मैं तो आपको नहीं जानती, मैं तो इतने सारे बच्चों को नहीं जानती, 1327 बच्चे जो अभी पेपर जो टेस्ट दे रहे हैं, मैं 1-to-1 शायद नहीं जानती इतने बच्चों को, लेकिन आपको ये चीजें हमारे सामने, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं,
तो आप इन चीजों पे जो आपका जो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो एक डॉक्यूमेंटेशन है वो तो कंप्लीट कीजिए ना। एटलीस्ट प्रोफाइल पिक लगाओ, नाम अपना ढंग का अपना नाम लगाओ ना। आप वहां पे कुछ और है, अभी जैसे मेरे पास मैसेज भी आता है कि मैडम मैंने है ना वो रिक्वेस्ट भेजी, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब मैं पूछती हूँ कि क्या नाम है आपका, तो आप मुझे बताते हो कि श्रीमती चंचल। ठीक है, अब मैं श्रीमती चंचल नाम खोजती हूँ, कहाँ आया रिक्वेस्ट, कहाँ आया रिक्वेस्ट, कहाँ आया रिक्वेस्ट। कॉल बैक करवाती हूँ कि श्रीमती चंचल किस नंबर से है, और जब आप नंबर बोलते हो तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आया हुआ होता है वो आता है चंचल शर्मा के नाम से। तो ऐसे नहीं है, आप जो नाम यूज कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो नाम आप हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि कल को अगर हम कुछ अप्रिशिएशन लेटर या कल को कुछ अगर हम इस तरीके का आपको अप्रिशिएट करने के लिए अगर कुछ करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। तो आज ही इस वीडियो को देखने के साथ ही आप लोग अपने डिटेल्स, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, एड्रेस वही होना चाहिए जो आपके फोटो आईडी प्रूफ में आ रहा है, नाम आपका वही होना चाहिए जो आपके उसमें नाम एड्रेस आईडी प्रूफ में आ रहा है, फोटोग्राफ उन्हीं की होनी चाहिए जिनका आप आईडी प्रेषित कर रहे हैं। तो आपकी सब चीजें मेरे पास मैच करती हुई मिलेंगी, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपकी फोटो और आपकी आईडी प्रूफ, जो भी आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा आईडी आप प्रेषित करेंगे जिसमें आपका एड्रेस, आपकी फोटो और आपका नाम तीनों मैच करते हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप भेजिए। और दूसरा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, इनफैक्ट निवेदन करना चाहूंगी, वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देख करके आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। कॉमेंट में क्या कीजिएगा, कॉमेंट में आप जितने भी अभी हमने टेस्ट पेपर कराए हैं आप उस टेस्ट के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, हमें और किस तरीके से इसको अच्छा बनाना चाहिए, ये चीजें आप जरूर लिख करके दीजिए। सजेशंस हमेशा हमेशा इनवाइटेड हैं, एवरी टाइम आप सजेस्ट करोगे हमें, हम उस पर विचार करेंगे, हम उस तरीके से काम करेंगे। ये काम बेटा आप लोगों के लिए हो रहा है, बच्चों ये आपके लिए ही हो रहा है, ये सारा काम हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको कहीं से कुछ ऐसा लगता है, आपका माइंडसेट अगर कुछ कहता है कि ये और ऐसे करेंगे तो ये प्रोग्राम और अच्छा हो सकता है, तो मोस्ट वेलकम, आप जरूर सजेशंस दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलरेडी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को, एंड मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी वीडियो आता है तो आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वेव के साथ जो है हमें रिप्लाई करते हैं। बस यही आप कंटिन्यू रखिए, पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। नेगेटिव कुछ होता है जरूर 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 आप हमसे कहिए, नेगेटिव को अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और किसी सेंस में कुछ गलत जा रहा है, आप हमें सजेस्ट कीजिए, हमें करेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि हम भी तो आपको इम्प्रूव कर रहे हैं ना, हम भी तो आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अगर जरूरी नहीं है कि हम आपको करेक्ट कर रहे हैं तो हम 100% करेक्ट हैं, नो नो नॉट एट ऑल, हम भी किसी 1%, किसी 2%, कहीं से भी कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी कमी हो सकती है, उसके लिए सजेशंस ऑलवेज इनवाइटेड हैं, आप जरूर दीजिए। आप कमेंट में लिखिए, आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर डालिए, मैं पर्सनली इस वीडियो के कमेंट्स को रिव्यू करूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं रिप्लाई करूंगी आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। हमेशा मैं पढ़ती भी रहती हूँ, मैं हमेशा रिप्लाई भी करती हूँ, मैं जरूर देखूंगी, मैं समय दूंगी आप लोगों को, मैं आप लोगों के लिए समय निकालूंगी, आप लोग ये कीजिए। एंड आगे की प्रिपरेशन बेटा, बच्चों आप ऐसे नहीं करो, जो सेट वन से लेके जो फाइव तक आप आए हो, आप कैसे आ रहे हो ऐसे 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 ऐसे, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, ये मजा नहीं आ रहा है। 400 बच्चे थे, 300 बच्चे हुए, 327 बच्चे हुए, 285 बच्चे हुए, तो ये चीजें, ये ग्राफ जो है ये मजेदार नहीं है। अब ग्राफ वो चाहिए 285, 300, 350, 400, 500, और एक दिन देखते देखते इतना वेट नहीं करना चाहती बच्चों, इतना वेट नहीं कराना है। आप नेक्स्ट पेपर से इंप्रूव होइए, अबव 0 की बात मैं नहीं करूंगी, आप अबव 50, कम से कम 50% बच्चे आओ, ठीक है, आप अपनी तैयारी को जज करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी तक हो सकता है मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि कितने बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने में ही प्रॉब्लम रही होगी, न्यू कमर थे, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे, तरीका नहीं पता था,
समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे लगता है पांच पेपर कर लिया आप लोगों ने, पांच पेपर हमने करवा दिया, तो अब आप सभी तरीके से टेक्निकल जो एक असिस्टेंस आपको चाहिए था वो सब तरीके से आपके पास थ्रू है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर करना है, तो पेपर अब आप कीजिए। बुधवार से ध्यान रखो बच्चों, वही बच्चे पेपर कर पाएंगे जिनकी मेरे पास अब डिटेल रहेगी, ठीक है? जिनकी मेरे पास ये छह डिटेल जो मैंने आपको बोला है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, एड्रेस प्रूफ और एक फोटो, जिनकी मेरे पास ये छह चीजें आएंगी वो अलग से बैच में जाएंगे, उस बैच को टेस्ट हम लोग असाइन करेंगे, और जिनकी नहीं आएगी वो इसी बैच में रह जाएंगे, उनको अब हम लोग कुछ भी असाइन नहीं करेंगे। ओके, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, टेस्ट पेपर अच्छे से कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट। आप आगे से आगे ग्राफ को अपने ऊपर लेके जाइए, ठीक है? अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, हम हमेशा ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप कमेंट्स जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे अंदर एक नई एनर्जी लाते हैं, और काम करने का एक जो जुनून है उसको क्या करते हैं, थोड़ा ताजा करते हैं, ठीक है? तो वो बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा जितना समय आप वीडियो देखने में लगा रहे हैं, 2-4 सेकेंड और उसमें बढ़ाइए, और इस वीडियो को देखने के बाद इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से रिलेटेड जैसे भी आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो आप हमें बताना चाहते हैं, हमारे लिए दर्शाना चाहते हैं, जरूर जरूर आप उसको अपने शब्दों के माध्यम से प्रेषित कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप आगे से आगे और अच्छा पेपर कीजिए, आपकी प्रैक्टिस और अच्छे सुनिश्चित हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।